आज के लिए हेडिंग डाल लो बेटा, टॉपिक है फॉर फ्यूचर प्लस री इशू टाइप टू। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स इनवाइटेड 40,000, एक्सेप्शन टेबल है हमारे पास, तीन लोगों की नाम है पी क्यू आर, कॉल है हमारे पास 3322। नंबर ऑफ शेयर्स दे देते हैं हम इन्हें 3,000, 2,000 और 1,000। री इशू टाइप वन क्या थी बेटा? कि हम कम में भेज देते थे। वो थी कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड जो थे वो इक्वल थे किसके, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड के, मतलब जितने भी आपने शेयर फॉरफीट किए वो सारे के सारे री इशू हो रहे थे। बट री इशू टाइप टू में ऐसा नहीं होता। री इशू टाइप टू के अंदर जैसे कि आपने सपोज शेयर्स फॉरफीट किए 8,000, पर आपने री इशू 8 नहीं किए, आपने मे बी 3,000 किए होंगे, मे बी 4,000 किए होंगे, मे बी 6,000 किए हो, मे बी 1,000 किए हो, मे बी 500 किए हो। तो ये आपकी सेकेंड टाइप है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे कि हाफ ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड फॉर रुपीस 8 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट कितने किए हैं, 6,000, पर री इशू 6,000 नहीं हो रहे, री इशू 3,000 हो रहे हैं। आपका काम यह है एंट्री नंबर 1 से लेके एंट्री नंबर 10 तक आप मुझे करके दे दो, आपके पास 5 मिनट है। 11th एंट्री मैं सिखाऊंगा। कॉलिन एरियल कॉलिन एरियस मतलब वाले केस करना है या नॉर्मल? विदाउट कॉलिन एरियस ही करते हैं बेटा।
डन सर। डन सर। पहली 8 एंट्रीज मैच कर लो बेटा, यही आ रही होंगी तुम्हारी, मेरे साथ मैच कर रही है। 68 68। किसी को पहली 8 एंट्रीज में डाउट है तो पूछ सकते हो। यही आई है आप लोगों की भी? यस सर। यस सर। ठीक है, देन आती है बेटा एंट्री नंबर 9 यानी फोरफीचर की। फोरफीचर का भी इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि री इशू के अंदर वेरिएशन है। तो कैपिटल टू फोरफीचर टू अलॉटमेंट अनपेड गई थी, फर्स्ट कॉल अनपेड गई थी कुछ, और कुछ सेकंड कॉल अनपेड गई है। 6,000 शेयर्स 10 के हिसाब से हो गया 60,000। फाइनल कॉल में 12 नहीं मिले थे, फर्स्ट कॉल में हमें 6,000 नहीं मिले थे, और उससे पहले 3,000 नहीं मिले थे। 21 39,000 यानी के फोरफीचर होना चाहिए। 39 लिखते ही सबसे पहले ऊपर आना चाहिए हमेशा। 8 × 3 24,000, 2 × 6 12,000, 1 × 3 3,000, टोटल हो गया 39,000। ये क्रॉस चेक करना जरूरी है। 39,000 आ गया। अब आती है एंट्री नंबर 10। 10th एंट्री कह रही है कि हमने 6,000 शेयर की जगह 3,000 री इशू किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल, एंट्री सेम रहेगी। हमें पता है कैपिटल के अंदर एंट्री जो है वो 10 रुपीज से होती है, तो ये अमाउंट है 30,000। हमने बेची कितने में है 3,000 शेयर्स? 8 रुपए, 8 यानी बैंक में आए होंगे 24,000। 3,000 शेयर्स पे हमें 2 रुपए का नुकसान हुआ है, यानी कि टोटल नुकसान हुआ हमारा 6,000। पहली 10 एंट्रीज इजी थी करनी, 11th समझने के लिए वेट करना पड़ेगा 1 मिनट। पहली 10 एंट्री अगर किसी की रह गई है, हाँ जी बेटा, ये भी सेम नहीं होगी कि शेयर फॉर फ्यूचर टू सीआर, ये क्या कहते हैं 33,000? नहीं बेटा, अब अलग हो जाएगी। सर क्यों, अंडर सब्सक्रिप्शन में भी तो हमारे शेयर्स बच रहे होते हैं, तो भी तो हम यही करते हैं। ध्यान दो, आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाई थी, कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बनता है। बाद में वैसे हम ओरली कैलकुलेशन कर रहे थे, बट फर्स्ट क्लास में मैंने एक वर्किंग नोट सिखाया था आपको इसका। पहली चीज जो इसमें हमने लिखनी होती है वर्किंग नोट में, जैसे हम कर रहे हैं सपोज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन शेयर फॉर फ्यूचर ऑन। फॉर फ्यूचर में प्रॉफिट कितने शेयर्स पे हुआ था हमें? 6,000 शेयर्स पे। कितने रुपए का? 39,000 का। अमाउंट ऑफ लॉस ऑन फॉर फ्यूचर या री इशू जो भी है ऑन 3,000 शेयर्स पे हो रहा है, कितने रुपए का? 6,000। तो एक बहुत वाइज मैन है, एक संत आदमी हमारे, उनका नाम है मिस्टर गब्बर, कभी सुना है नाम? सुना है गब्बर जी का नाम? हाँ सर। तो गब्बर जी ने एक चीज कही थी कि अगर आदमी 3 हो और गोलियां 6 हो तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। सिमिलरली आप एक चीज देखो, प्रॉफिट जो है वो 6,000 शेयर्स पे है, पर लॉस जो है वो 3,000 शेयर्स पे है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी है। अभी तक क्या होता था, लॉस जो आता था वो भी 6,000 शेयर्स पे आता था, तो 6,000 के प्रॉफिट में से 6,000 का लॉस माइनस करके जो अमाउंट आता था वो कैपिटल रिजर्व था। बट अब प्रॉफिट है 6,000 शेयर्स पे और लॉस है 3,000 पे, तो वी नीड टू कैलकुलेट the amount of profit on forfeiture on 3,000 shares। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6,000 की जगह 3,000 shares पे profit calculate करना पड़ेगा। तो simple सा method है, कुछ मुश्किल नहीं है।
यूनिटरी मेथड आप लोगों ने थर्ड फोर्थ क्लास में सीखा हुआ है, 6,000 पे 39,000 का प्रॉफिट है, एक शेयर पे कितना आ जाएगा, 39,000 अपॉन में 6,000, और 3,000 पे कितना आ जाएगा, 39,000 बाय 6,000 इंटू 3,000, यानी के 19,500 19,500 रुपए। किसी को कोई डाउट समझने में? सोनल, श्रेया, नकुल, कोई भी बच्चा, तान्या, यश, हमने कुछ नहीं सब। बट किया ये बात समझ नहीं आ रही, जब क्या? हमारे क्या कहते हैं हम अंडर सब्सक्राइब्ड होते थे तो भी तो हमारे शेयर्स बिकते नहीं थे, हाँ, फिर ये चीज क्यों? मैं समझा नहीं। अच्छा एक बात, अगर आगे जाके बाकी के 3,000 शेयर्स में बेचूंगा तब लॉस रिकॉर्ड करूंगा फिर मैं? तो नहीं अब मैंने तो ये कहा ना कि फिलहाल के लिए हमने 3,000 बेचे हैं, सारे बाकी के जब 3,000 बिकेंगे उनके प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन अलग से होगी, उनका कैपिटल रिजर्व अलग निकलेगा। अभी तो हम इन 3 को देखेंगे ना जो हमने बेचे हैं, सिर्फ 3,000 तो पे प्रॉफिट। बाकी के 3,000 होंगे वो तो डिस्काउंट या प्रीमियम, वो केस आ जाएगा फिर जो अभी अगर भी हमने तीन कम के हजार बेचे। शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं बेटा, वो फोरफीटेड है, री इशूड नहीं है, वो पड़े हुए हैं हमारे पास। हाँ तो हम अगर बाद में कभी बेचना चाहें तो उसमें क्या वो डिस्काउंट या प्रीमियम वाला केस नहीं आ पाए आ जैसे जाएगा? मर्जी बेचेंगे उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पे भी ये 19,500 जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उस पे कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन बाद में होगी। ठीक है, ओके अब हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 3,000 के प्रॉफिट में से 3,000 का लॉस माइनस कर दो, यानी कि हमारे पास आ गया 13,500 रुपये। ये जगह जो है 13,500 से फिल हो जाएगी। तो ये था री इशू टाइप टू। री इशू टाइप टू में समझने वाली बात क्या है, पहली 10 एंट्रीज में कोई इशू नहीं है, बस 11th एंट्री में आपका एक वर्किंग नोट। पहले सिंपल होता था कि हम सीधा 39 में से ऊपर वाली जो नीचे वाली वैल्यू माइनस करते थे, क्योंकि जो प्रॉफिट था वो अगर 6,000 शेयर पे था तो लॉस भी 6,000 शेयर पे ही आ रहा था, बट अब ये 6,000 है, ये 3,000 है, सो वी नीड टू कन्वर्ट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन 6,000 शेयर्स इनटू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन 3,000 शेयर्स। देन 3,000 के प्रॉफिट में से 3,000 का लॉस माइनस करो, जो बैलेंस आएगा दैट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। किसी को कोई डाउट? जैसे कि सपोज अगर इसी क्वेश्चन में हम आधे शेयर्स की जगह 1/3 शेयर री इशू कर रहे होते हैं। अब पहली 9 एंट्रीज हमारी सेम है, 10th एंट्री हमारी क्या हो जाती, हमने 2,000 शेयर्स बेचे हैं, यानी ये आ जाता 20,000, 16,000 और 4,000। जब कैपिटल रिजर्व निकालने जाते हैं तो 6,000 पे हमारा प्रॉफिट था 39,000 का, हमें चाहिए 2,000 पे, वो आ जाएगा 39 अपॉन में 6 इंटू में 2, यानी कि 13,000 रुपये का प्रॉफिट। 13,000 के प्रॉफिट में से 4,000 का लॉस माइनस करके बैलेंस आ जाता 9,000 रुपये। समझ में आया कैसे करना है बेटा? आपका जो प्रॉफिट है फॉर फ्यूचर का 39,000 का, 6,000 शेयर्स पे, उन्हें उसमें कन्वर्ट करना है उन शेयर्स के हिसाब से जितने की री इशू हो रहे हैं। किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं है, नोट कर लिया? सर। देन एक बार यस सर। रीजॉइन करो, फिर हम इसके क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं।